आप तो खुश हो गए होंगे बताने लगा वरना मेरे ख्याल में तो वेट गेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है एकदम से। नहीं, सर इसमें से आपको मैं 10 out of 10 दूंगी, आपने फौरन फौरन मुझे सही सही जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम, टुडे विद उरुसा में आप सबका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों खुश हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ जो गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं, जिनके हिट ड्रामास की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें से चंद बोल मेरी मछली, मेरे खुदाया, मुझे बेटा चाहिए वगैरह हैं। अपने करियर का आगाज़ ड्रामा सीरियल अनोखा लाडला से करने वाले ये वो अदाकार हैं जिनका नाम अब एक ब्रांड बन चुका है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये एक अच्छे अदाकार से ज़्यादा एक अजीम इंसान हैं। ड्रामा चाहे जो भी हो, स्टोरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब इनका नाम कास्ट में जुड़ता है तो ये ड्रामे में जान पैदा कर देते हैं। इनकी अदाकारी हकीकत बयान करती है, कॉमेडी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हर किरदार में बखूबी उतरने वाले एक वर्सेटाइल हीरो को हम वेलकम करते हैं, द वन एंड ओनली शहूद अलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं सर? ठीक हूं बेटा, अल्लाह के करम है, मालिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और टाइम निकाल के हमें थोड़ा सा ये इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसमें टाइम निकालने की बात ही नहीं है, संडे का दिन है, हमारे पास टाइम होता है, तो वो मसला नहीं। चलिए सर, मैं सबसे पहले आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि ये जो मुश्किलात से भरा हुआ 2020, फिर दूसरा ये सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा कोरोना की वजह से जो लोग मतलब ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं, तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें कि आपका ये टाइम कैसा गुजर रहा है और शूट्स वगैरह चल रही हैं या अभी बंद हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए चंदा, ये एक पेंडेमिक है और इसका बहरहाल एक असर है माशरे पर। लोग जो हैं वो इससे असरअंदाज भी हो रहे हैं, दुनिया जहान में अमवात भी हो रही हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो इससे बचाव की जितनी कोशिश की जा सकती है वो करनी चाहिए। ठीक हो गया। जहाँ तक काम का, इंडस्ट्री का, हमारे मुल्क की इकॉनमी का, आपका हमारा, ज़ाती तौर पे लोगों का जो इससे नुकसानात हो रहे हैं, ये यकीनन इज्तमाही तौर पे हो रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि जी किसी एक का है, किसी दूसरे का नहीं है, पूरी दुनिया में यही हाल है। हर बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, नीचे की तरफ गया है, काम रुक गए हैं, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई है। तो एहतियात करें, इसके SOPs को फॉलो करना ही चाहिए। जहाँ तक हमारी फील्ड का ताल्लुक है, हमारी फील्ड में भी बिल्कुल वही सिचुएशन है जो दुनिया जहान में। हमने भी इस काम को बहुत पिछले दिनों बंद रखा और अब भी जो हम कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तोतों में आपकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखी गई है, जो मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं, काफ़ी देर से मैं सुन रही हूँ, तो ये आपका शौक है या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि आपका कोई बिजनेस भी है? था, एक कोशिश की थी हमने इसको कारोबार की तरफ ले जाने की, लेकिन मुझे उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि जो आदमी पेट लवर है या एनिमल लवर है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह बहुत सारे सेटअप बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, बहुत सारे ब्रीड्स रखनी पड़ेंगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रीड, कोई ना कोई पैरट, कोई ना कोई चीज़ कहीं पे निगलेक्ट होता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी तो रातों की नींदें उड़ जाती थी। तो मैंने सोचा ये शौक था, ये बिजनेस से पहले ही था या बिजनेस करने के बाद इतनी मोहब्बत हुई इनसे? अच्छा, ये शौक बचपन से है। बिजनेस तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही किया मैंने, लेकिन शौक मेरा बचपन से, पैरट्स के साथ तो ख़ास तौर पे मेरा, डॉग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कैट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पेट कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, चाहे वो आपका पेट ना भी हो, जानवर हो, तो बहरहाल अल्लाह पाक ने उसको जान तो दी है, उसके अंदर फीलिंग्स तो हैं, हर्ट तो वो भी होता है, चोट लगती है तो तकलीफ़ से वो भी गुजरता है। तो मैं एनिमल लवर आदमी हूँ, तो मेरे पास कोई भी पेट होगा मैं उससे उतना ही प्यार करूँगा। तो फिलहाल ये पैरट्स हैं मेरे पास। कितने मौजूद हैं? मेरे पास 3 हैं हैंड टेम्ड हैं, मेरे ये 2 इसमें ग्रेज़ हैं और एक मेरा मकाओ है, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। बोलता भी है इसमें से कोई? तीनों बोलते हैं और इतना बोलते हैं, अभी तो आहिस्ता इसलिए आवाज़ें निकाल रहे हैं क्योंकि हमने इनका कर्टन खींचा हुआ है। अच्छा। लेकिन ये अगर खुल जाएगा तो फिर इनकी चीखें पूरा मोहल्ला सुनता है। पहचानते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने एक कैरेक्टर प्ले किया था एक शायर का, बोल मेरी मछली में, तो कुछ सुनने में आया था थोड़ा सा कि उसके बाद आपके ऊपर एक हमला भी हुआ था गर्ल्स कॉलेज में, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमसे।
बड़ी शर्मिंदगी की बात थी जब ये हुआ था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बहुत जलील हो गया हूँ। एक यहाँ पे ख़वातीन का गर्ल्स का कॉलेज है, उसमें उनका कोई कॉन्वोकेशन था, उसमें उन्होंने मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया था। ये प्ले मेरा उन दिनों ऑन एयर था। अच्छा। हुआ ये कि इसके अंदर चूँकि मेरा करेक्टर एक शायर का था, शायर शिकारी कह लीजिए, जो ख़वातीन की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन बहुत तमीज़ से, बहुत अदब के, क्योंकि शिकारी तो हर तरह का होता है। मेरा उस प्ले को करने का मकसद ये था, क्योंकि उस प्ले के बाद एक खातून मुझे एक जगह मिली, एक मेडिकल स्टोर है यहीं पर करीब में, तो उन्होंने मुझसे शिकवा किया। उन्होंने कहा हम सब आपको बहुत पसंद करते थे, आपने इतना गंदा रोल क्यों किया। तो मैंने कहा कि देखिए दिस इज़ माई जॉब, मेरा काम है, मुझे कोई भी रोल मिलता है मैं उसमें इंसाफ करने की कोशिश से गुजरता हूँ। होता है इंसाफ या नहीं होता ये मैं नहीं जानता, इसका फैसला अल्लाह करेगा, आप लोग करेंगे, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग फैंस हैं, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो आपको नहीं पसंद आता। मैं उसमें ज़ाती तौर पर मेरी कोई ऐसी पसंद नहीं है, आप लोगों को जो ठीक लगे, लेकिन ये मेरा काम है, मैं अपने काम को दिल से करता हूँ, बस मैं ये जानता हूँ। वो कहने लगी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको पसंद तो बहुत करते हैं, मैं आपका ये प्ले पूरा देख रही हूँ लेकिन मैं अपनी बेटियों को नहीं देखने देती। अच्छा। तो मैंने कहा आपकी बेटियाँ कितनी बड़ी हैं? कहने लगी एक जो है वो शायद 14 साल की है और एक जो है शायद वो 15 साल या 16 साल की है। तो मैंने कहा मेरी बहन ये प्ले मैंने आपके लिए किया ही नहीं है, ये तो प्ले मैंने किया ही उन बच्चियों के लिए है। उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो पढ़ लिख के इस माशरे का हिस्सा बनेंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी, दुनिया को फेस करेंगी, तो उनको इस तरह के लोग, इस तरह के भेड़िए, इस तरह के शिकारी हर तरफ फैले हुए होंगे। तो ये प्ले बेसिकली उनके लिए है। आप तो निकल गई, आपकी शादी भी हो गई, आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं, गुजार लेंगे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, लेकिन बच्चियों को ज़रूर दिखाएं। तो ये मेरा बेसिक मोटिव होता है। कोई भी नेगेटिव करेक्टर मतलब पता भी है लोगों को कि कैरेक्टर है, ड्रामा है, लेकिन फिर भी इतना लोग हो जाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, हो जाते हैं। अब आ गई आपकी वाली बात, जो हमला हुआ था तो वो उस कॉन्वोकेशन में मैं गया था, तो वहाँ पे भी इसी तरह कुछ लड़कियाँ थीं जो शायद अल्लाह उनकी हिफाजत करे, शायद किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरी होंगी या शायद उनको मेरा रोल पसंद नहीं था, उन्होंने किया था हमला। अच्छा। और उन्होंने कुछ जूते भी फेंके, कुछ पत्थर भी फेंके, तो वो मैनेजमेंट ने फिर मुझे मना कर दिया, कहने आप आ जाएं शव साहब, ये लोग बदतमीज़ हैं, काबू नहीं आ रहे ये वो। तो मैं वहाँ से निकला हूँ, बाहर जब पहुँचा हूँ तो पार्किंग में कॉलेज के अंदर ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी को भी स्प्रे पेंट से उन्होंने BMM लिखा हुआ था और बी बोल मेरी मछली और स्क्रैचेस किए हुए थे, मेरी नई गाड़ी थी, ख़राब कर दी उन्होंने। तो मुझे इस पूरे सिनेरियो में जो दुख था वो ये था कि एक तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, दूसरा दुख ये था कि मैं बड़ा जलील हो गया हूँ। तो मैंने उस इंसिडेंट को बड़ी खामोशी से हज़म कर लिया, मैंने कहा किसी को नहीं बताऊँगा, और मैं वहाँ से निकला हूँ सीधा और मैं अपने डेंटर के पास गया हूँ। मैंने जाके कहा यार इसको जो करना है करो, इसको रिबिंग पॉलिश करनी है, इसको बस साफ़ करो गाड़ी को किसी तरह। और वहाँ से मैंने उससे कहा बाइक दे मुझे अपनी, मैं घर जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ फिर बात करते हैं। उसकी बाइक पर मैं घर गया हूँ, खामोशी से नहाया धोया और गुस्से में भी था, बहुत तकलीफ़ भी थी, और मैं लेट गया। इतने में मुझे जियो से कॉल आई और जियो वालों ने कहा कि जी आपका इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहने लगे हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो लोगों ने आपके बनाए हुए हैं। अच्छा। जो हमें भेजे हैं, जिसकी बुनियाद पे हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, अब ये जब खबर अगर बन जाएगी, वो कहने लगे हम न्यूज़ बना रहे हैं इसकी। मैंने कहा आप क्यों न्यूज़ बना रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा है? पूछ के न्यूज़ बना रहे हैं? नहीं नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आप क्यों न्यूज़ बना रहे हैं? तो कहने लगे देखें जी हमारा प्ले है और अगर उसके हवाले से आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो ये तो हमारे लिए प्रमोशन है, तो हम तो इसकी न्यूज़ बनाएंगे। मैंने बड़ी कोशिश कर ली कि किसी तरह वो ना बनाएं। तो उन्होंने कहा हम ये आप कर सकते हैं कि हम आपकी इजाज़त के बगैर, चूंकि हम ये काम कर नहीं सकते हैं, हम आपको एक मिनट देते हैं, एक मिनट के लिए आप आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करा दें, हम उस न्यूज़ के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चला देंगे ताकि आप उसमें अपने आप को डिफेंड कर सकें, जो कि मेरे ख्याल है सहाफ़त की बुनियाद भी है। तो करते क्या ना कर, मरते क्या ना करते, मैंने कहा कि चलें ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर मैंने जाके खैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करा दिया, सब हो गया। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि वो इंसिडेंट मेरे फेवर में चला गया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं पाकिस्तान का दूसरे नंबर का एक्टर बन गया जिसके ऊपर लोगों ने हमला किया था। अच्छा। ये एक इंसिडेंट मुझसे पहले भी हो चुका है। ये अच्छा। जब एक प्ले चलता था, हम तो खैर बहुत छोटे होते थे, खुदा की बस्ती। अच्छा। उसमें ज़हूर अहमद साहब का एक रोल था जिसमें वो अपनी बीवी को स्लो पॉइजनिंग करते हैं, तो उनके साथ ये इंसिडेंट सड़क पे मारा मारी का, पीटा पीटी का, ये एक ज़माने में हो चुका है, आपसे पहले हो चुका है। हो चुका है।
तो ये मेरे फेवर में चली गई बात। तो फिर मैं ज़रा सा फख्रिया बताने लगा, वरना मैं डरता था इस इंसिडेंट से। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि एक जो आपका ड्रामा सीरियल था मेरे खुदाया, तो उसमें आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर था। मेरा इस पे जो न्यूज़ बनाई थी जियो ने, वो गालिबन आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। अच्छा। हाँ, वो यूट्यूब पे भी डाल दी थी उन्होंने, तो उसमें मौजूद है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो एक प्ले था मेरे खुदाया, उसमें आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, तो आपको उसमें वेट बढ़ाने के लिए कहा गया था और आपने मेरे ख्याल में 26 केजीज वेट भी गेन किया था। मैंने 27 केजीज वेट गेन किया था। तो फिर आपने उसके बाद फौरन से कुछ टाइम के बाद लूज़ भी किया, और बहुत कम टाइम में लूज़ किया। जी, मैंने किया था 41 डेज में। 41 डेज में कितना लूज़ किया था आपने? जितना चढ़ाया था। अच्छा, 27 केजीज। तो कैसे लूज़ किया था आपने, आप बताएं व्यूअर्स को। मैंने जी एक डाइट है, प्लान डाइट का है, कीटो डाइट। वो ज़रा सी हैवी होती है, आपकी बॉडी के ऊपर असरात बुरे भी डाल सकती है, तो मैंने वो हर किसी को सूट भी नहीं करती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में चूँकि बढ़ा चुका था, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके वो एक डाइट की थी, और उसमें अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी कम हो गया, काफ़ी उसी जगह आ गया। नहीं, सूट तो मुझे भी नहीं की, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मुझे बर्दाश्त करने पड़े, तो मगर वो करना बहुत ज़रूरी था। रोटी चावल तो बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं ना उसमें? जी बिल्कुल, ऐसा ही है, रोटी चावल चीनी और इस तरह की जितनी भी। और खुद ही खाना भिजवाते हैं वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं आपके? अच्छा, तो आपने कर लिया था वेट कम। तो वेट बढ़ाने के लिए क्यों कहा जाता है, जब नेगेटिव कैरेक्टर हमें दिया जाता है तो क्यों कहते हैं कि वेट बढ़ाएं आप अपना? नहीं, हर नेगेटिव रोल अक्सर औकात मतलब सुनने में आता है ये। उसका उसकी नीड इसलिए थी क्योंकि उसमें मैंने खुद भी गेटअप एक सोचा हुआ था, मैंने शेव ऑफ किया था अपना सर, और साथ में वेट अगर आप बढ़ा लें, शेव ऑफ भी हों, बल्कि भी हुआ हुआ वो आदमी, तो देखने वाले को ज़रा घिन सी आती है ऐसे शख्स से। कहते नहीं हैं हम माशरती तौर पे किसी का दिल दुखाने के लिए, लेकिन लोग अच्छा नहीं, पसंद नहीं करते इस तरह की शख्सियत के लोगों को। तो मैंने वो वेट इसलिए पुट ऑन किया था ताकि कुछ ज़रा फेस बड़ा हो जाए, कुछ जब आप एक्सप्रेशन लेते हैं ना तो कुछ फेस के ऊपर आपके तो एक्सप्रेशन अच्छा आए। जब फैट ज़्यादा होता है ना तो वो चुन्नटें ज़्यादा आती हैं, आपको रिंकल्स पड़ते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए। आप ऐसे पहचान में भी नहीं आ रहे उस कैरेक्टर में, अगर आप? नहीं, लोगों ने बड़ा पहचान लिया था। उनको पता है गंदे करेक्टर करता है, यही होगा। अच्छा, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको 3 बेटियों से नवाजा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका अपनी बेटियों के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब इजीली आपसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं बैठ के, या फिर वो वाला थोड़ा सा होता है ना एक गुस्से वाला एलिमेंट जो बाप रखता है, कि बाप आया घर में, होता है काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि बाप आया घर में, जैसे ही बच्चा उस कोने पे एक जा के बैठ गया, एक उस कोने पे जा के बैठ गया, एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि कभी दिल में आया कि यार मेरा भी बेटा होना चाहिए था? अच्छा, दोनों सवाल आपने बड़े मेरे दिल के करीब वाले सवालात कर दिए। मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ था और उसके बाद परवान चढ़ता गया, तरबियत होती गई, मेरे वालिद साहब और वालदा, ये दोनों मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माँ बाप मिले थे, जो मुझे समझते भी थे, हर बच्चे को समझते थे, बहुत से माँ बाप शायद नहीं समझते। अब्बू हमारे सख्त बहुत थे। अच्छा। लेकिन अब्बू जो थे वो सख्त होने के साथ साथ बच्चों से इतना प्यार करते थे कि हम शायद हर बात अपने अपने बाप से शेयर करते थे। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ, 13 साल की उम्र में जब मुझे पहला इश्क हुआ। अच्छा। तो जिस लड़की से हुआ था उसका जिक्र मैंने सबसे पहले अपने बाप से किया। अच्छा, ऐसे दोस्त थे। हाँ, ऐसे दोस्त थे। बच्चा शर्माए ना अपने माँ बाप से अपनी कोई भी बात कहते हुए। मतलब सख्ती के साथ साथ उन्होंने ऐसी फ्रेंडशिप भी आपसे रखी थी कि आप कोई भी बात कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। तो मेरे बाप ने तकरीबन ऐसे ही मेरी तरबियत की थी। पिटा भी मैं बहुत हूँ क्योंकि मैं शरारती बहुत था, तो पिटा भी बहुत हूँ। लेकिन एक जगह आई लाइफ में जहाँ मैं बाप बनने लगा, तो मैंने सोचा कि यार मुझे कैसा बाप बनना चाहिए। मेरी बहुत अर्ली एज मैरिज है, मैं जल्दी लव मैरिज है, मोहब्बत हो गई थी, जल्दी शादी हो गई। 20 साल की उम्र में मेरी शादी होती है और 23 साल की उम्र में मेरे यहाँ बेटी पैदा होती है। और जब मैं 23 साल की उम्र में बाप बन रहा होता हूँ, तो मैं अपनी बीवी से बैठ के मकालमा करता हूँ, उससे बात करता हूँ कि हमें कैसा माँ बाप होना चाहिए। तो मैंने उस वक्त से सोचना शुरू कर दिया था, तो मैंने अपने बाप के अंदर से फिल्टर किया एक आदमी को, और वो आदमी था जो सख्ती भी ना करे, मारा पीटी भी ना करे, लेकिन बाप का रोब भी रहे। और बेटियों के साथ तो वैसे भी सख्ती नहीं बनती, और बेटियों के साथ दोस्ती ऐसी हो, क्योंकि ये ऑपोजिट सेक्स है, तो ऑपोजिट सेक्स की हर बात शेयर नहीं हो सकती, बाप और बेटी की हर बात शेयर नहीं हो सकती, माँ और बेटे की हर बात शेयर नहीं हो सकती।
तो डेफिनेटली उतनी लिबर्टी भी मुझे एक लड़की होने के नाते अपने बच्चों को देना थी। तो मैंने फिर एक फाइनली एक फिगर बनाई जो मुझे लगा कि बाप ऐसा होना चाहिए, तो मैंने वो बनने की कोशिश की। तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं कि हम बराबरी की बुनियाद पर लड़ाइयाँ भी करते हैं, एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, एक दूसरे को मनाते भी हैं, एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। इस लॉकडाउन में मैंने अपने बच्चों के साथ, लोग कहते हैं कि जी हमें बड़ा टाइम मिल गया हमने बच्चों के साथ खेला, मैंने तो जब मसरूफ़ होता था मैंने तब भी अपने बच्चों के साथ इतना ही खेला। अच्छा। तो हमने इस लॉकडाउन में लूडो खेला है, तो बड़े काम किए हैं, एक बाइक ख़रीदी भी है, हैवी बाइक है, उस पर अभी तक बच्चों को बिठाया नहीं है, सबकी ख्वाहिश है। तो वो हाँ जी बिल्कुल लिए ख़रीदिए, इसीलिए ख़रीदिए कि चलाएँगे, इसको खड़ा करके क्या करना। तो अब बच्चों को मैं कह रहा था भाई ज़रा मुझे हाथ साफ़ करने दो, हैवी बाइक है, पहली बार है, गिरगिरा ना जाओ, तो फिर उसके बाद तुम लोगों को राइड दूंगा। तो अब वो सब रोज़ इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब जानू जो हैं वो, जानू कहती हैं मुझे, अच्छा। कि कब जानू जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हों तो हम उनके साथ राइड पर जाएँ। तो मेरा रिलेशनशिप ऐसा है अपने बच्चों के साथ। तो जो सवाल मैंने आपसे एक और पूछा था कि कभी बेटे की कमी है, मैं अगर सच हाँ या ना में जवाब दूँ तो मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया। और अगर मैं कहूँ कि जी मुझे कोई कमी महसूस हुई है, लोग असल में कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे इस तरह पहले भी सवाल किए हैं कि यार आपको नहीं लगता कि आपके आपको बेटा होता, लोगों की ख्वाहिश होती है नरीना औलाद की। मैंने कहा जी अगर अल्लाह दे देता तो मैं बहुत खुश नसीब समझता, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया तो मुझे कोई अपनी बदनसीबी महसूस नहीं होती। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियाँ दे दी, शुक्र है कि दे दी। अगर अल्लाह ये भी ना देता और मैं बे औलाद होता तो मैं क्या कर लेता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं तो कि अल्लाह पाक ने मुझे 3 बेटियाँ दी और 3 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह बेहतरीन इंसान हैं, अल्लाह पाक उनकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा बड़ा कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी है, और क्या चाहिए। तो सर मैं अभी आपसे एक छोटा सा सेगमेंट करना चाहूँगी रैपिड फायर, आपने बिना सोचे मुझे फटाफट जवाब देने, एक सेकेंड के अंदर अंदर बस जल्दी से देने फौरन फौरन। माहिरा या मीरा? माहिरा। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। निहारी या बिरयानी? दोनों 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 पसंद है। अच्छा, हुमायूं या शान? शान। ईद सोकर या फिर मिलकर? मिलकर। एक्टिंग या डायरेक्शन? एक्टिंग। इंडियन ड्रामास या फिर टर्किश ड्रामास? दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं, दोनों ही पसंद है, पाकिस्तानी ड्रामास। सर इसमें से आपको मैं 10 out of 10 दूंगी, आपने फौरन फौरन मुझे सही सही जवाब दिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इंटरव्यू दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप एंड में लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चंदा, मुझे बहुत खुशी होती है आपको देख के। आपने एक दफ़ा सिर्फ मेरे साथ एक प्ले किया था, उसमें हमने स्क्रीन बहुत थोड़ी सी देर के लिए शेयर की थी, और लेकिन मैंने आपको जब भी देखा ना बेटा जी, तो मैंने आपको बड़ी मेहनत करते देखा है, ठीक है। तो मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और आप जो भी कदम उठा रही हैं, जहाँ पे भी जा रही हैं, अल्लाह पाक आपको ईमान के साथ कामयाबी अदा करे, आमीन, थैंक यू। अच्छा जी, मैसेज मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों के देखने वालों के लिए है कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत मेहनत करने वाली बच्ची है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, देखते रहें, देखना ना भूलिएगा।